हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित अमित शर्मा, हम फिर से आप लोगों के साथ में हमारी बेड़ा पार सीरीज SBIPO मेंस के लिए जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कवर करने के लिए है उसका Day 2 का सेकेंड क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो वेलकम बैक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी पढ़ने को मिल जाए। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ उनकी PDF आप लोगों को मिलती रहेगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि जो पढ़ा होगा उसको आप टाइमली और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, रिविज़न दे सकते हो, क्योंकि पढ़े हुए को रिविज़न देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको याद नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में जाओगे फिर ऑप्शन देख के आप पजल ही होना है आप लोगों को, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक लास्ट वीडियो मैं कल डाल चुका हूँ, वो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और ये दूसरी वीडियो भी पोस्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द चीफ एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड में चेयरपर्सन या फिर उसके साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किनको बनाया गया, जिनको CEO बोलते हैं। तो ये जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है, और ये हैं वो लेडी जिनको चेयरपर्सन और CEO बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। ध्यान रखना है अपॉइंटमेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको हम स्किप नहीं कर सकते किसी भी ढंग से, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंट्री के नॉर्थन और वेस्टर्न सेक्टर में, और किसको टेस्ट करने के लिए, उनके कॉम्बैट रेडिनेस को चेक करने के लिए, उनकी लड़ाकू क्षमता को चेक करने के लिए एक्सरसाइज होती है हमारी आर्मी एयरफोर्स वगैरह इन सब की। तो ये जो था ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया गया था कंट्री के नॉर्थन और वेस्टर्न सेक्टर में, तो उसका नाम पूछा है, नाम आएगा त्रिशूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको PIB बोलते हैं। तो ये चुना गया है मनीष देसाई जी को, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अभी डायरेक्टर जनरल रहेंगे, ये आप लोगों के सामने हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच इंडियन कंपनी टाइड अप विद इंश्योरेंस कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इंडिया की किसी कंपनी ने नीदरलैंड की एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है, वो मैनेज करेगी उसका कंप्लीट बिजनेस और IT ऑपरेशन जो भी रहेगा। तो इंडिया की उस कंपनी का नाम आप लोगों से पूछा है, नाम तो इसमें उस नीदरलैंड की कंपनी का भी नहीं दिया है, लेकिन इंडिया से अगर हम बात करेंगे तो वो TCS रहेगी, और नीदरलैंड की जो कंपनी है उसका नाम रहेगा अथोरा नीदरलैंड्स, जिसको विवेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अब जितना भी डिजिटल ऑपरेशन रहेगा, IT ऑपरेशन रहेगा, सारा का सारा बिजनेस टेक्निकली अब कौन होल्ड करेगा, तो TCS करेगी। आप लोगों को पता है TCS एक IT कंपनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, रिलायंस बैक्ड वाइकोमेटिन। वाइकोमेटिन एक TV चैनल है जिसको जिसका ओनर कौन है, रिलायंस। तो इसने BCCI से जो TV के लिए अधिकार होते हैं, जो भी मैच होंगे उन मैच को अपने TV पर अपने चैनल पर दिखाने के लिए, जो कि पहले 5 साल के ये जो हॉटस्टार है डिज्नी प्लस हॉटस्टार उसके पास होते थे, लेकिन अभी ये वाइकोमेटीन ने इसको परचेज कर लिया इस कॉन्ट्रैक्ट को आने वाले 5 सालों के लिए। तो इसके लिए जो टोटल अमाउंट उसने दी है BCCI को, वो अमाउंट रहेगी 5,963 करोड़ रुपये, ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, अमेजोन हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद विच पोस्ट कंपनी। किसी कंपनी के साथ अमेजोन ने टाई अप किया है सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक, किसके लिए, MSME एक्सपोर्टर के लिए। तो जो छोटे एक्सपोर्टर हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनको
जब अपना कोई सामान अगर क्रॉस बॉर्डर भेजना होता है, छोटा अगर उनका कोई कंसाइनमेंट होता है, तो उसके लिए अमेजोन ने टाई अप कर लिया इंडियन किसी कंपनी के साथ में, तो उसका नाम रहेगा इंडिया पोस्ट, जिसको हम डाकघर जिसको बोलते हैं भारतीय डाक, तो इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप कर लिया गया है। और इसके साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन से अलग है ये। अमेजोन ऑल्सो अनाउंस इस एंगेजमेंट विद इंडियन रेलवेज, उनका भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस टाइप के एडिशनल क्वेश्चन भी जो कि नज़रों में कम रहते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमारे पास था, पढ़ा हुआ था, लेकिन हमने फोकस नहीं किया इस चीज़ के ऊपर, फिर रिग्रेट के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, तो ध्यान रखेंगे ये वाली बात भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट वैसे आप लोगों को पता होगा, आई होप एंड आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। तो ये एक डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, जिसको फिस्कल डेफिसिट की टर्म दी जाती है। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फिस्कल डेफिसिट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, और जो ये मैंने ब्लू लाइन में दिया है, ब्लू कलर में दिया है, बोरोविंग्स जो गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा मार्केट से, वो उसके रेवेन्यू में कैलकुलेट नहीं होता, इस चीज़ को आप लोगों को अभी भी ध्यान रखना है। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन अभी था ये था कि एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट सेंटर फिस्कल डेफिसिट जम 34%, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, 34% बढ़ गया, कितने रुपए पे पहुंच गया है वो, 6.1 लाख करोड़। तो ये अमाउंट जो रहेगी आप लोगों को ध्यान रखनी है, और कौन से पीरियड के लिए है, अप्रैल से जुलाई तक का जो पीरियड है 2023-24 का, उस पीरियड का ये डेटा आप लोगों के सामने है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर टू प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इनका नाम है डेनियल मेघाए कहेंगे, फ्रॉम कनाडा। ये तो एक्चुअली थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर न्यू करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे तो ये न्यूज़ जो है विद इन 1 वीक की है, जिसमें ICC ने ये कहा है कि ट्रांसजेंडर जो होंगे वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। न्यू रूल्स आए हैं, जिनमें एक नया रूल वो भी था जो आप लोगों ने पढ़ा है तो अगर, कि एक ओवर डालने के बाद दूसरे ओवर को स्टार्ट करने के बीच का जो टाइम होगा वो 60 सेकेंड होगा, और अगर 60 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है दूसरा ओवर डालने में, और ये लगातार अगर 3 बार हो रहा है, तो फील्डिंग पे जो टीम होगी उसको 5 रन की पेनल्टी लगेगी, और जो बैटिंग कर रही होगी उस टीम को 5 रन मिलेंगे। तो नए रूल हैं ये, हालांकि क्वेश्चन पुराना है लेकिन एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर थी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली होती अगर खेलने के लिए अलाउ किया जाता तो, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। तो उनका नाम है अतुल वर्मा, ये है अतुल वर्मा, जो कि कहीं साइड देख रहे हैं पता नहीं कहाँ पे। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, सितंबर से नवंबर 30, जैसे यार नवंबर 28 है तो 2 दिनों का टाइम पीरियड और है इन लोगों के, इनके पास में, उसके बाद क्या होगा देखेंगे, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विच बैंक्स आर लाइव विद द इंक्लूजन ऑफ UPI इंटरऑपरेबिलिटी इन डिजिटल रुपी। आप लोगों को आइडिया होगा, अब UPI पे आप डिजिटल रुपी से पेमेंट कर सकते हो, जो डिजिटल रुपी को UPI पे ट्रांजैक्शन करने की परमिशन जो दी जाती है, उस परमिशन को या उस टेक्नोलॉजी को, उस टर्म को हम कहते हैं UPI इंटरऑपरेबिलिटी। और इस चैनल पे अब तक जिन बैंकों ने ये फैसिलिटी दी है, उन चैनल्स पे उन बैंकों के नाम है SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC और कैनरा बैंक। और इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ UPI विद द डिजिटल रुपी मीन्स ऑल UPI QR कोड्स आर कंपेटिबल विद CBDC एप्स। तो जितने भी QR कोड हैं उन सबको यूज़ करके CBDC ट्रांसफ़र की जा सकती है, यानी डिजिटल करेंसी से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो मोस्ट सुपर मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी,
आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, नेम द डॉक्टर हु वॉन नेशनल डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये मिला है नवनीत अग्रवाल जी को, जो आप लोगों के सामने हैं। इनके साथ में कुछ और अवार्ड्स हैं जो रिसेंटली ही मिले थे, जिनमें था टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली अवार्ड, जो किसके द्वारा दिया जाता है, यूएस बेस्ड एक फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। तो ये इंडिया के जो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, उनको मिला है। इनके साथ में इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मनोज बुबना को मिला है, रेमन मैक्सेसे और डी डॉक्टर वी जी पटेल मेमोरियल मिस अर्थ इंडिया। ये ऐसे कुछ और अवार्ड्स हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को दिए हैं, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द इसरो साइंटिस्ट द वॉइस बिहाइंड द नेशनल स्पेस एजेंसीज रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन जो होता था, 10, 9, 8, 7, ये काउंटडाउन करने वाली एक लेडी थी जिनका नाम है एन वलारमथी। ये वो लेडी हैं जिनका देहांत हो गया था अभी कुछ दिन पहले, जो हमारा चंद्रयान गया था उसके बाद। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन भी स्टैटिक टाइप का सेक्शन कवर करने के लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, विस्तारा एयरलाइंस जिसको टाटा सी एयरलाइंस भी कहते हैं, गोइंग टू मर्ज विद, तो ये एयर इंडिया के साथ मर्ज होने वाली है। और अगर हम टाटा सी एयरलाइंस की बात करेंगे तो एक जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप के बीच में और सिंगापुर एयरलाइन के बीच में, जिसमें जो शेयर होल्डिंग थी पहले वो 51% थी किसकी, टाटा ग्रुप की, और बाद में कितनी हो गई है वो 49% हो गई है। इसके अलावा एज पार्ट ऑफ द मर्जर ट्रांजैक्शन सिया आल्सो इन्वेस्ट कितने रुपए, 2,059 करोड़ रुपए एयर इंडिया में मर्जिंग के बाद में वो इन्वेस्ट करेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे रहेंगे जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड सिया होल्ड 25.1% शेयर होल्डिंग इन एयर इंडिया, काफ़ी खास क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है जी? चलो नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको FTIA बोलते हैं, पुणे में है ये, ध्यान रखना है। तो इनको ये चुना गया है आर माधवन, जो कि एक्टर हैं, काफ़ी खास इनकी पीछे लास्ट फिल्म कौन सी थी जो मुझे पसंद आई थी, रॉकेटरी, जिसको अवार्ड भी मिला था, काफ़ी अच्छी मूवी थी। ठीक है जी? चलो नेक्स्ट है, हु विल हेड पैनल ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि अभी स्पेशल सेशन जो आया था उससे पहले काफ़ी न्यूज़ में था कि गवर्नमेंट इसी एक्ट को पास करवाने के लिए सेशन लेके आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस सेशन में तो आया वो महिलाओं के लिए बिल जो पास करवाया गया। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके लिए पैनल बनाया गया है, उस पैनल के को हेड कौन कर रहा है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। और इसके साथ में कुछ और कमेटी हैं रिसेंटली जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसी कमेटी हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, मैंने आप लोगों को दे दी हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी? चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री बीट्स पाकिस्तान टू विन मेंस हॉकी एशिया कप 2023, और ये कहाँ पे हुआ था, सलाह ओमान में हुआ था। तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था ये कप जीतने के लिए। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री है लॉन्च्ड अ कॉमिक बुक ऑन गुड हेल्थ एंड वेलनेस, इसका नाम आप लोगों से पूछा है तो नाम होगा लेट्स मूव फॉरवर्ड, डेवलप्ड बाय NCERT एंड यूनेस्को, दोनों ने मिलके इसको बनाया है, जो कि गुड हेल्थ और वेलनेस के ऊपर फोकस करती है। अब कॉमिक टाइप से है, पढ़ने को मिलेगा, कुछ अच्छी बातें लिखी होंगी इसमें। ठीक है जी? ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है, गवर्नमेंट टू सेटअप हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर इन द कंट्री विद इन अ ईयर, तो ये 1,000 सेंटर ऐसे बनाए जाएंगे जिनको खेलो इंडिया सेंटर का नाम दिया गया है। और ये हैं मिस्टर ठाकुर,
जो कि हमारे मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट है, विच स्टेट इन द यूएस हैज फॉर्मली डिक्लेयर्ड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। तो उस स्टेट का नाम होगा द स्टेट ऑफ जॉर्जिया, जो कि यूएस में है, जिसने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ का मंथ डिक्लेयर किया था। किस लिए? टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिसिएट द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द वाइब्रेंट हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी जो वहाँ पे रह रही है उनके द्वारा। तो अक्टूबर इज अ सिग्निफिकेंट मंथ ऑफ हिंदुइज्म। किस लिए? क्योंकि इस मंथ में जैसे नवरात्रि, दिवाली, ऐसे त्यौहार, कई सारे त्यौहार आते हैं, इस करके इस मंथ को ही चुना गया था और नाम दे दिया गया हिंदू हेरिटेज मंथ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर। तो ये है ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं मिस्टर एम एस धोनी जी को, जो कि क्रिकेटर हैं। इनके साथ में कुछ और ऐसे एम्बेसडर हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये भी मैंने आप लोगों को दे दिए, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, हु अज्यूम्स चार्ज एज प्रिंसिपल डीजी ऑफ आकाशवाणी। तो आकाशवाणी के प्रिंसिपल डीजी चुना गया है डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी को। ये हैं वसुधा गुप्ता जी, जो आप लोगों को एक हल्की सी स्माइल दे रहे हैं। ये इनकी ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे था तो इनको स्माइल देनी पड़ी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, वट इज नाभमित्रा। नाभमित्रा क्या है? ये एक डिवाइस है, किसके लिए? सेफ्टी के लिए। किन के लिए? फिशरमैन के लिए। ये एक इस टाइप का डिवाइस है जो जैसे तो लगा रहे हैं डिवाइस, ये होगा उनकी बोट के ऊपर, और उन लोगों को अगर जैसे वेदर को लेके, वेदर से ही प्रॉब्लम होती है, कोई भी इस टाइप का अगर कुछ होगा तो उनको इंडिकेट करेगा कि भाई मौसम ख़राब होने वाला है, आप लोग आपके घर जाओ, अब आपको मछली पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, समुद्र से बाहर निकलो। और ये डेवलप किसने किया था? ये इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में जो है उसने डेवलप किया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? अहमदाबाद में। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट वन, नेम द क्रिकेटर ऑफ जिम्बाब्वे हु डाइड रिसेंटली। तो इनका नाम था हेथ स्ट्रिक, जो कि 49 की एज में एक्सपायर हो गए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, दीक्षा स्टैंड्स फॉर। तो दीक्षा स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और ये एक मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर है, जो प्रोवाइड करेगा ई कंटेंट देगा स्कूल को ऑनलाइन पोर्टल पे या मोबाइल ऐप पे। आप लोगों का आइडिया है आजकल टीचिंग भी ऑनलाइन, जैसे हम भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, और स्कूल टीचिंग भी ऑनलाइन हो चुकी है, बच्चों को भी वर्क फ्रॉम होम के टाइप से उनको क्लासेस मिल जाती हैं घर बैठे ही। स्कूल में अगर छुट्टी हो जाती है या किसी रीजन से स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, तो उसी पर्पज़ के लिए ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था जिसका नाम था दीक्षा। एब्रीविएशन एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेम द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। तो ये सांची रहेगी, जो कि एमपी में है, और ऐसा माना जा रहा है, बोला जा रहा है कि इस गांव, इस शहर के हर एक घर में ये जो क्या बोलते हैं सोलर बिजली ही आ रही है, बाकी ये जो थर्मल पावर प्लांट्स आती गवर्नमेंट देती है वो सब नहीं आती, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया, सांची। कहाँ पे है? एमपी में है। चलो नेक्स्ट है, 20वीं आसियान इंडिया समिट और 18वीं ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुई थी? तो ये जकार्ता में हुई थी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और उसकी करेंसी क्या है? रुपया। ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, वर्ल्ड टॉलेस्ट
नटराजा स्टैचू हैज़ बिन इंस्टॉल्ड, यह क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप मेरी वीडियोस में पहले होते हो तो आपको आइडिया होगा। तो ये जो G20 समिट हुई थी दिल्ली में भारत मंडप में, वहाँ पे उसके बिल्डिंग के बाहर ये बनाया गया है नटराज का स्टैचू, जो कि 20 टन का है और करीबन 7 महीने में इसको बनाया गया है, और इसमें अष्ट धातु का यूज़ किया गया है, ठीक है सॉरी। और ये इसको स्कल्पचर है, इसको किसने बनाया है, ये राधा कृष्णन शतपथी ने बनाया है। इन्होंने काफ़ी ऐसे स्कल्पचर बनाए हैं जो काफ़ी फेमस हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा जा चुका है पहले, किसी स्टैचू को लेके ही पूछा था कि किसने बनाया था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, हाउ मैनी रूरल हाउस होल्ड्स रिसीव्ड टैप कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है जिसको नाम है जल जीवन नाम दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हर एक घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिसको नाम दे दिया गया जल जीवन मिशन टैप के द्वारा, टूटी के द्वारा। तो ये 13 करोड़ अभी डाटा दिया जा रहा है कि लगभग 13 करोड़ घरों तक पानी पहुँचाया जा चुका है किस मिशन के अंदर, तो इस मिशन का नाम रहेगा जल जीवन मिशन। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, काला जीरा राइस कौन से स्टेट से है जिसको रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेचू स्टेटस यानी GI टैग दिया गया था, और उसको जाना जाता है प्रिंस ऑफ राइस के नाम से भी। तो ये वो राइस है और ये उड़ीसा से है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच पेमेंट सर्विसेज कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर UPI ATM। तो उस कंपनी का नाम रहेगा हिटाची पेमेंट सर्विस, और इसने इंडिया का पहला UPI ATM लॉन्च किया है। ये एक ऐसा ATM है जिसमें आप UPI को यूज़ करके कैश विड्रॉल कर सकते हो। हाउ, जैसे आप लोग कहीं पे भी UPI पेमेंट करते हो QR कोड स्कैन करके, वैसे ही इस ATM पे अगर आप लोग विजिट करते हो यहाँ पर आपको फिजिकल कार्ड की नीड नहीं होगी, इसमें कोड QR कोड होगा, उस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और जो भी आपको कैश विड्रॉल करना आप कर सकते हो। तो इस कंपनी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस ATM का नाम रहेगा हिटाची मनी स्पॉट UPI ATM। ये कार्डलेस कैश विड्रॉल करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों को पढ़ लेनी है। तो हम इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में कवर होते हैं, और आप लोगों को आइडिया होगा अगर, तो ऐसे ही क्वेश्चंस की मात्रा आजकल एग्जाम में ज्यादा रहती है, ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो ये जो अवार्ड मिला है वो किनको मिला है, वो PV सत्यनारायण जी को मिला है, ये अवार्ड उनको मिल रहा है, और ये चेक दिया गया है। ये चेक एक्चुअली 2 लाख रुपये का है, तो इसमें इस अवार्ड में 2 लाख रुपये और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है जो अब की बार मिला है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए फिर मेरे साथ इतना ही रहेगा, और वीडियो एंड करने से पहले, आप मेरे चैनल पर आए थे वेलकम बैक, तो एक्चुअली ये पहले की फ़ोटो थी, अभी जस्ट उठाई है मैंने, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को PDF वहाँ से मिल जाए और आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। क्लियर है। तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।